एक बात को कोई नहीं उठा रहा, और ना तो वो स्वाति मालीवाल उठा रही है, और ना ही वो जो मार लेना आई थी आज उसने उठाया। मार लेना ने बताया कि आते ही वो घुसी और उसने विभव कुमार को गालियां बकनी शुरू कर दी, बदतमीजी की धमकियां दी। और ये बता रही कि वो आया मेरे ऊपर टूट पड़ा, गाली बकने लगा, मुझको हाथ पांव मारा, कर उसका मेडिकल हुआ, उसकी तो कैमरे में हालत बता रही कि उसको मारा पीटा तो गया है। लेकिन ये हुआ क्यों? सबसे हुआ क्यों? महत्वपूर्ण बात है कि ये ना तो ये महत्वपूर्ण। बता, ना तो ये बता रही है, ना वो बता रहा है। और यस, इसको और इस बिंदु पर कोई चैनल बात नहीं कर रहा बिल्कुल। इस पर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, ये हुआ क्यों? कि यही मान लीजिए जाके इसने गाली बकना शुरू कर दिया, तो गाली क्यों बकना शुरू कर दिया, किस लिए हाँ, बकना शुरू कर दिया? आखिर ऐसा तो नहीं कि कोई पागल नहीं, घूम गया था चीफ उसने जा। मिनिस्टर के निवास में इतना स्वच्छंद एंट्री इस महिला की है कि इसको किस कोई कभी रोकता नहीं है, सब जानते कोई नहीं रोकता। तो सीधे ड्राइंग रूम में पहुंच गई और गाली गलौज करने लगी, कुछ तो बात होगी, मैं अकस्मात वही तो कह हुआ नहीं रहा होगा ये मैं वही कह रहा हूं दर्शकों से कि जरा खेल समझिए कि इसको आपने सब। सारे चैनल देख लिए, मैं भी देख रहा था, किसी ने इस बात को छुआ ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर इसने जाते, मान लीजिए इसी ने गाली बकना शुरू कर दिया स्वाति मालीवाल ने, तो कुछ कहा होगा ना कि तुमने ये काम क्यों किया, इसलिए गाली बक रही होगी, या तुमने ये काम क्यों क्यों नहीं किया, इस पे गाली बक रही होगी। तो वो स्वाति मालीवाल भी नहीं बता रही, ना वो बता रहा गंजा। और अगर गंजे ने आते टूट पड़ा इसके ऊपर, इसको मारने पीटने लगा, गाली वाली देने लगा बुरी तरह से, इतनी मारा हो तो उसकी सामने हालत बता रही है, तो उस गंजे ने अचानक इसको मारना पीटना क्यों शुरू कर दिया, गालियां की देनी क्यों शुरू कर दी? तो गंजे ने कोई कारण बता के तो मारा होगा इसको। तो ये दोनों आदमी चुप्पी साधे हैं इस बिंदु पे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका उल्लेख FIR में भी नहीं है मनीष जी, कि मुझको तो ये और सारा घटनाक्रम इसी में छुपा हुआ है, सर सारा वो अब तो संदेह घटनाक्रम। कुछ और होता है कि हम लोग इस पर चर्चा नहीं, कुछ कांड और तो नहीं हुआ ड्राइंग नहीं, मैं बता रूम रहा में? हूँ मनीष, नहीं, मनीष जी, ये जिस दिन ये कारण खुलेगा, तो जिस दिन सबसे पहले संभवतः मनीष ठाकुर शो में ही ये बात कही गई थी कि इसकी सबसे बड़ी खलनायिका सुनीता केजरीवाल ही निकलेगी। मैं वो राज्यसभा वाली थ्योरी को पहले दिल से मना कर रहा हूँ, जो टेलीविजन पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है। नहीं, ये सौतिया डा है, और उसने इस गंजे को लगाया कि आज इसको निपटा ही दो तुम। और केजरीवाल सिट्टी पिट्टी इसको भी हो सकता है, केजरीवाल भी मार खाया उस दिन। मैं एक और बता दूं आपसे कि पहले गंजे ने पहले केजरीवाल को उड़ाया होगा मैडम के आदेश पे, केजरीवाल सिटपिटाया बैठा होगा, यहाँ तो सब काम ही खत्म हो जाएगा, तो पहले केजरीवाल के दो चार थप्पड़ उसने मारे होंगे, उसके बाद आके फिर इसको तो उसने ठीक से निपटाया। तो कारण ना तो ये बता रही है मार खाने का, ना वो बता रहा मारने का। तो अभी जरा पुलिस को, दिल्ली पुलिस को इसका खुलासा करना चाहिए कि ये मारपीट हुई क्यों, ये मारपीट हुई क्यों, और गंजा गाली खाया क्यों। तो ये है इस पूरे मामले का क्रक्स, और इसके लिए इंतजार करिए क्या सामने आता है। मतलब वो कमाल है, अब कितनी सिंह भी लगाएगा, कहां से पैसा लाएगा। कमाल की बात यह है कि दो तीन चीजें हैं कि, और या तो हो सकता है कि जैसे होता है ना कि जब रंगे हाथ पति पकड़ा जाता है तो पत्नी सबसे पहले उसे कमरे में बंद कर देती है। कई आपने वीडियोस देखे होंगे कि पति को कमरे में बंद कर दिया पहले और उसके बाद निपटारा यहीं से हुआ, चूंकि पावरफुल है तो गंजे को लगा दिया। लेकिन सवाल ये है सर कि गंजा को तो ऑफिशियली उसको सस्पेंड किया जा चुका हुआ है, तो गंजा चीफ मिनिस्टर निवास में क्या कर रहा था अवैध तरीके से? नहीं, मतलब चीफ मिनिस्टर के निवास में अवैध धंधा हो रहा है, कोई गुंडा जो है काम कर रहा है, इसका मतलब, क्योंकि वो तो अब ऑफिशियली अब पीए भी नहीं है वो, और इसकी घोषणा कर दी गई, कुछ को हटा दिया गया था, तो फिर वो घर में क्या कर रहा था जो स्वाति मालीवाल को समझाने लगा? ये भी मनीष जी सवाल आप ही पूछ रहे हो, कोई नहीं पूछा अभी तक, किसी ने नहीं पूछा, सब उसी नहीं, परपंच में लगे लगे हुए कि मारपीट हो गई, इसने ये कहा उसने वो कहा, अरे इसने ये कहा उसने वो कहा, वो तो दुनिया जान गई, सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये और ज्यादा गंभीर सवाल है कि वो अपराधी वहां पे क्या कर रहा था, वो कि ये इसका जवाब तो केजरीवाल को देना चाहिए। मतलब कल ही कहा था मनीष जी, जो सबसे इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को रौंद दिया गया जूतों से। पिछले 3-4 दिन से जो भी घटनाक्रम घट रहा है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री आवास को अपराधियों का अड्डा बना दिया गया। मैं कोई स्वाति मालीवाल को भी बिल्कुल बड़ी क्लीन चिट है वो, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हुई, तो मैं उसको बिल्कुल एकदम मीराबाई बता बिल्कुल दूं कि नहीं, बड़ी बिल्कुल नहीं, वो बड़ी साध्वी है, साध्वी आदमी नहीं है। लेकिन हाँ, तो उसके साथ अतीत जो भी बताता है सब कुछ।
हाँ ये है कि गैंग लेकिन में सर फूट लोहे को पड़ी है। लोहे से ही तो काटा जाता है ना। हाँ लोहे, केजरीवाल को अब नहीं, तक, इस केजरीवाल ने अब तक सबको निपटाया, कुमार विश्वास को निपटाया, प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे शातिरों को निपटाया, इसने देश की पहली महिला आईपीएस को निपटाया, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन स्वाति मालीवाल ने इसको निपटाया, क्योंकि यहाँ ये फंस गया बीच में। कई लोग कह रहे हैं, सीमा जी हैं, रेगुलर व्यूअर है, कह रहे कि सर वैसे नौकर मेम साहब की ज्यादा सुनते हैं साहब की अपेक्षा। सही कह रही है। मैंने शुरुआती वही की कि इसका जो असली खलनायिका है वो तो अभी सामने नहीं आ रही। अभी वो सामने आएगी तो तब आपको दूसरा इस पूरी मारपीट की कहानी खुलेगी। लेकिन स्वाति मालीवाल का मैं खुद ही आलोचक हूँ, कोई मतलब नहीं कि उसके साथ बड़ी सिंपैथी। लेकिन जो कुछ किया गया कि मनीष जी बता रही कि उसका मैसेज चल रहे थे उसके, उसको गिरा के वो गंजा और लात घूसों से पेट पे छाती मारे, तो ये तो मतलब राक्षस, ये राक्षसों से गिरा हुआ कृत्य है। किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। किसी के अपराधी महिला हो उसको भी पुलिस पकड़ती तो उसके ऊपर भी एक नियम कानून लागू होते कि आप ये व्यवहार उसके साथ नहीं करेंगे। और ये उसको मतलब कैसे उसने मारा हो तो उसने अपने उसमें लिखा है, और उसके एफआईआर में जो लिखा है उसको किनारे कर दीजिए आज। जिस जबकि वो ये मारपीट हुए 2-3 दिन हो चुके, पढ़ी लिखी महिला, सक्षम महिला, तो उसने 2-3 दिन से दवा ववा भी खा रही होगी कुछ, उसके बावजूद आज जब वो वैन से उतर कर जब वो मेडिकल के लिए ले जा रही थी पुलिस उसको, और जब वो मेडिकल करा के लौट रही थी तो उसकी हालत बता रही थी कि उसके ऊपर क्या गुजरी है। तो इसका समर्थन मैं थोड़ी करूंगा। मैं ठीक है, आलोचक है, उसका जो कर्म रहा है तो बहुत बढ़िया नहीं रहे, लेकिन नहीं, लेकिन उसके जो कुछ, कर्म का इस्तेमाल भी तो केजरी नहीं किया ना। मतलब उस समय हाँ तो बहुत मजा हुआ इसका यूज करने के लिए। मैं तो बार बार कहता हूं, ये स्वाति मालीवाल 2015 से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, सामान्य मामला नहीं है सर। 8 साल तक ये महिला दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही। उसके बाद जो ही ये कुर्सी छुड़वाया गया उससे, माना जाता है कि सुनीता को तब भी पसंद नहीं था, तो ये राज्यसभा पा गई। और जो केजरी अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए संजय सिंह को छोड़ करके किसी को यह जिम्मेदारी नहीं दिया, किसी को राज्यसभा नहीं दिया, इसका मतलब कुछ तो खास थी कि इसको राज्यसभा मिला। चड्डा के अलावा